फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे बना रही हूँ फंसी के लिए लंच। तो लंच में सोचा मैंने आज सेम आलू बना देते हैं। दो टमाटर काटे, एक प्याज काटिए, सेम में दो आलू काटे और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के तेल में थोड़ा प्याज से बघार के उसी में ऐड कर देंगे टमाटर डायरेक्ट। फिर टमाटर को अच्छे से गला लेंगे नमक और सिर्फ मिर्चा डाल के, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, सिर्फ नमक मिर्ची में आज मैं बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी सिंपल सा ज़रूर ट्राई करिएगा रोटी के साथ, पराठे के साथ। और इसमें हमारी जो सेम आलू है, सब्ज़ी है, वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तीन सीटी ले लेंगे। फिर मैंने इसको सीटी लेने के लिए रख दिया। फिर यहाँ पे साथ साथ में मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे अप्पे सूजी के। इसकी रेसिपी चाहिए तो आप शॉर्ट में भी चेक कर सकते हो और फुल वीडियो भी है मेरे चैनल पर, वो भी चेक कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ हमारे मुलायम मुलायम से सॉफ्ट सॉफ्ट से अप्पे बन के रेडी है, तो फंसी को दे देते हैं। आजकल फंसी की थोड़ी डाइट चल रही है क्योंकि उनको सादा खाना खाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं फंसी का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, रोटी सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने। और फंसी आजकल सादा खा रहे हैं क्योंकि उनका पेट में दर्द था, जैसा कि आपको पता है। तो सब्ज़ी भी रेडी है, रोटी भी रेडी है, पैक करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। फंसी की तबीयत भी थोड़ी ठीक है, बस वीकनेस है और बता रहे हैं कि मुँह सूख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। कह रहे थे बहुत वीकनेस लग रही है, तो मैंने कहा ओआरएस पियो, तो बोल रहे थे ओआरएस पिया। अगर ऐसे ही वीकनेस रही तो फिर से जाके डॉक्टर को दिखा देंगे कि क्यों इतनी वीकनेस लग रही है। मुझे तो लग रहा है टैबलेट्स की वजह से भी होता है ना, कभी कभी टैबलेट्स खा के वीक वीक लगता है, अजीब सा लगता है, तो हो सकता है वो भी हो सकता है, घबराहट सी लगती है। तो बस फ्रेंड्स, फंसी जा चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने उनको टिफ़िन में दिया रोटी सब्ज़ी, क्योंकि सेम आलू जो है ना नमक मिर्ची में बनाई मैंने बिल्कुल कम तेल में, वो भी मतलब देखा जाए तो मसाला वसाला नहीं देना है ना उनको, तो बिल्कुल सादा सादा बना के दिया है। और नाश्ते में मैंने क्या किया, अप्पे बना दिए। अप्पे भी मतलब हेल्दी होता है, उसमें तेल वगैरह ज़्यादा नहीं पड़ता है और सूजी से बना रहता है तो हेल्दी होता है। तो बस फ्रेंड्स, फंसी जा चुके हैं। अभी मैंने मुँह धो के सब करके बैठी हूँ मैं, और सबसे पहले मैं पीने जा रही हूँ अपना चिया सीड्स। देखिए, चिया सीड्स में मैंने थोड़ा सा नींबू ऐड किया है, बिल्कुल तीन चार ड्रॉप्स नींबू और आधा आधा टेबलस्पून हनी। तो मुझे ऐसे सादा सादा पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा हनी ऐड कर लेती हूँ मैं। तो बस, और ये पीते हैं, उसके आधे एक घंटे के बाद हम भी अप्पे खा लेंगे, चार पाँच, ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि सूजी भी मोटा करती है, तो चार पांच अप्पे खा लेंगे और फिर थोड़ा बहुत काम है वो करेंगे। और मैंने आप लोग के साथ शॉर्ट मिनी व्लॉग शेयर किया था अपना फर्स्ट टाइम, पहली बार जब से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है तब से पहली बार सब लोग मिनी व्लॉग बना रहे थे, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, तो मैंने भी मिनी व्लॉग शेयर किया। आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, लास्ट टाइम जो मैंने वेट लॉस ड्रिंक आपके साथ शेयर करी थी, तो उसमें ऐसे ही ड्राई मैंगो, सॉरी ड्राई लेमन, ड्राई जिंजर डालनी पड़ती है, ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों चीज़ों का मिक्स ले लो, तीन तीन या चार चार टेबलस्पून सब इक्वल से मिक्स कर लो, और उसमें ड्राई जिंजर, ड्राई लेमन ऐड कर सकते हैं। तो इस बार मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो बनाया था वो सिर्फ 10 दिन चला और पता नहीं मेरा वेट कितना था, कितना घटा मुझे पता ही नहीं चला। मेरा इस समय वेट 68 है और लास्ट टाइम मेरा वेट कितना था, 69 ही था फ्रेंड, 68 या 69 था। उसके बाद हो सकता है मेरा वेट बढ़ गया हो, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने चेक ही नहीं किया। अभी लास्ट टाइम जब फंसी को दिखाने गई थी तो मैंने भी चेक किया तो 68 दिखा रहा है, मतलब कि पता नहीं, मेरे हिसाब से तो घटा ही नहीं, क्योंकि अब बीच में बढ़ गया हो पता नहीं, घट गया है उसकी वजह पता नहीं चल रहा है मुझे क्या हुआ है। इस बार तो 68 है, तो देखते हैं। और ये सुखा रही हूँ मैं, ये कल रात मैंने इसे काट के बारीक बारीक सूखने डाल दिया है पंखे के नीचे। आप चाहे तो इसमें भी डाल सकते हो धूप में भी, लेकिन यहाँ मेरे घर के पास धूप आती नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कॉटन के कपड़े में ऐसे बारीक बारीक काट के रख दिया है, फैन में सूख जाएगा। फिर उसके बाद इसको जो ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ है उसमें ऐड करके ऐसे मिक्स करके डिब्बे में रख लेंगे, और जब भी पीना होगा हाफ टेबल स्पून डाल के बॉयल करके पी लेंगे। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, सुबह आधे घंटे से पहले, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे पहले और रात को खाने के आधे घंटे बाद पी के सो जाना है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ मेरे घर के पास निकल रहा था गणेशा, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ तो रोज़ ही बहुत सारे गणेश जी निकलते हैं मेरे घर के सामने, लेकिन उस दिन मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने कहा शेयर कर देती हूँ। तो ये सेम डे है, संडे वाला दिन है फ्रेंड्स, और संडे को फसी को छुट्टी नहीं थी, फसी को काम था तो वो गए हुए थे और शाम को जल्दी आ गए थे लेकिन। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे एग्जीबिशन में, लेकिन एग्जीबिशन का व्लॉग आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। उसके बाद हम लोग कहाँ गए वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्या खाया पिया किधर गए वो शेयर करूँगी। और एग्जीबिशन का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है जिन लोगों ने, वो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चेकआउट करिए, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप लोग उस एरिया के आसपास रहते हो तो जाके ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुल्तान चला रहा है गाड़ी, सुल्तान को फसी ने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया और वो गाड़ी चला रहा है। तो हम लोग को बहुत डर भी लग रहा था लेकिन मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए ये मोमेंट कि सुल्तान को फंसी गाड़ी सिखा रहे हैं, वो देखिए आगे बैठ के चला रहा है और प्रॉपर सीख चुका है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं खाने के लिए मसाले पूरी, और क्या क्या खाते हैं वो सब शेयर करेंगे। क्लीन शेव सैया जी, नहीं खाना फिर भी जबान खाओ, पकड़ नहीं है। हाँ ऐसे भी होते हैं लोग, अगर फिर से दर्द हुआ तो 10 इंजेक्शन लगाएंगे। जी वो स्कूल फेंको ना को। फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई है हमारी दही पूरी मज़ेदार, सब लोग एक एक ट्राई करो। ये दही पूरी पहली बार गरम है। अप्पी यहाँ खानी है दही पूरी जो ख़त्म हो चुकी है, अप्पी का सूर पूरा भूटा भीग गया है। ये पूरा भीग गया है, लास्ट स्पून मुँह में गया। हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं आज, संडे फंडे हो गया ना। अभी आपने क्या था रील, जब जिंदगी झंडुआ तो क्या संडुआ क्या बनवा, क्या संडुआ तो बन रहा है। कितना अच्छा संडे जा रहा है, यहाँ पे लाइटिंग्स लगी है, वहाँ पूरी लाइटिंग यही हुआ था, मेरा भी हुआ था शायद। फ्रेंड्स यहाँ सुल्तान सोडा पीते हुए क्योंकि इनके पेन हो रहा है। पेन नहीं हो रहा है लेकिन मैं बसा सो रहा हूँ। ओ लौंडा जवान हो रहा है, लौंड छोकरा हुआ जवान, छोकरा नहीं जी। मैं फ्रेंड्स जिसमें मैं जाने का सोच रही थी लेकिन जो है पसी ने मुझे मना कर दिया, ये वही जिम है जेपी नगर में, गेम ऑन फिटनेस। इसमें जाके हम लोग ने बात भी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब टाइम आ गया है 99 वाला डोसा ट्राई करने के लिए। कौन सा चूज़ करें अदीबा बताओ। छोड़ो दीबा, बहुत गर्म है। तो फ्रेंड्स जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाए तो मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये डोसा मैं पांचवी बार ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत बार आ चुके हैं हम लोग, और रात में 12 बजे तक भी रहता है। और बस स्टैंड जो जेपी नगर का बस स्टैंड है वहीं पे हम लोग इस समय बैठे हुए हैं, उसके बगल में ही डोसे का ठेला है और वहाँ पर ऐसी ऐसी भीड़ लगती है ना कि लोग दूर दूर से खाने आते हैं। तो आप लोग जेपी नगर जाके ज़रूर ट्राई करना अगर आस पास रहते हो तो। फ्रेंड्स हमारी सवारी निकल रही है अब घर की तरफ, हाथी का पेट भर गया है। तुम लोग का भरा पेट? थोड़ा थोड़ा, इसका नहीं भरा लग रहा। मेरा भरा नहीं, छोड़ा घर जाके खा लेना। बोलो आओ है बोलो देखो ना, और ये इडली खाती नहीं? नहीं दांत बाजो मैं चला कितना साफ लग। अच्छा और कितने गोल गोल लग रहे अभी ना, इडली खिला दो सत्तर को। नहीं नहीं।
तो फ्रेंड्स खा पी के हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया हम लोग को। और ये जो कड़े मैं एग्जीबिशन से लेके आई थी, मैंने कहा वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूं इस व्लॉग में ही, जैसा कि वादा किया था। तो ये 40 रुपीज़ के 2 हैं रेड वाले, ये मम्मी के लिए लाई थी लेकिन मम्मी ने नहीं लिए, बोला तुम ही रख लो। और ये गोल्डन वाले अपने लिए लाई थी, ये 30 रुपीज़ के 2 हैं। और ये तीनों के तीनों कांच के, और कांच के कड़े डेली यूज़ में पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं पहन सकती मैं। मुझे हल्के फुल्की चीज़ें ही हाथ पहनना अच्छा लगता है, काम करने में आसानी होती है। तो फ्रेंड्स ये कड़े आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।